आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे बाड़मेर से बड़ी खबर के साथ, जहां दो कारों में जोरदार भिड़ंत हुई है और इस हादसे में दो महिला समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बायतो विधायक ने अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और घायलों में से तीन की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। एक घायल को जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। विधायक कैलाश चौधरी ने अपनी फॉर्चुनर से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पैर में चोट के चलते पहले से ही खुद जख्मी थे विधायक कैलाश चौधरी। कबड्डी मैच में खेलते हुए जख्मी हुए थे विधायक कैलाश चौधरी और अपनी परवाह किए बगैर विधायक ने यहां इंसानियत का परिचय दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां विधायक कैलाश चौधरी ने अपनी गाड़ी से खुद घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और पैर में चोट के चलते आपको बता दें पहले से ही विधायक के पैर में चोट लगी हुई है। कबड्डी मैच में खेलते हुए जख्मी हो गए थे विधायक कैलाश चौधरी। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता दुख सिंह के पास। दुख सिंह, किस वक्त की ये घटना है? देखिए सुनल, मैं आपको बता दूं कि ये बाड़मेर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर उत्तरलाई गेटवे स्टेशन के बाद की ये घटना है। यहाँ पर पूरे दिन के भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के मैच में आयोजित मैच में हिस्सा लेने के बाद कैलाश चौधरी विधायक वापस लौट रहे थे अपने बायतो जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की तरफ, और इस दौरान उन्होंने देखा कि वहां पर दो गाड़ियां आपस में टकराई हुई है, कोई लोग वहां पर रोक नहीं रहे हैं और चार से पांच लोग बाहर गिरे हैं, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने तुरंत अपना वाहन रोका और घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी गाड़ी जो राजल की गाड़ी उसमें बैठे और अस्पताल पहुंचे, क्योंकि खबर दिखाने का इंडिया न्यूज का एकमात्र उद्देश्य यही है कि विधायक होकर भी अगर खुद घायल होने के बावजूद भी उन्होंने आम जनता के साथ रहकर अपने जनप्रतिनिधि होने का एहसास दिलाया। तो ये मैसेज जाता है, बिल्कुल दूसरी इंसानियत का परिचय उन्होंने दिया है जाहिर तौर पर, इसमें कोई शक ही नहीं। अभी क्या घायलों की स्थिति क्या बनी हुई है दुर्ग सिंह, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए दो गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया था, रात को ही विधायक खुद मौजूदगी में वहां पर रेफर करवाया और उसके बाद जो पांच लोग सामान्य रूप से जख्मी थे उनको बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। जी दुख सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि अभी घायलों की स्थिति, कुछ घायलों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें पैर में चोट के चलते विधायक कैलाश चौधरी ने यहाँ इंसानियत का परिचय दिया है, खुद अपनी गाड़ी रोककर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ है जिसमें अपनी परवाह किए बगैर विधायक ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बाड़मेर से, जहां दो कारों में जोरदार भिड़ंत हुई है और जाहिर तौर पर ये सीखने वाली बात है कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो लोगों को इंसानियत का परिचय देना चाहिए और यहां पर और विधायक कैलाश चौधरी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है इसी मुद्दे को लेकर, चलिए सुनवाते हैं आपको। देश भर में राजनेताओं पर एक आरोप लगता रहा है कि ये बड़े वीवीआईपी होते हैं लेकिन इनकी वजह से कभी कभार जाम लगे तो भी आम जनता परेशान होती है, लेकिन बाड़मेर के बायतो विधायक खुद चोटिल थे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के बाद खुद चोटिल होने के बावजूद भी जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे इस दौरान उत्तरलाई के पास एक हादसा उन्होंने देखा और उसके बाद वहां के घायलों को खुद अपनी गाड़ी में खुद दूसरी वो एक गाड़ी में सवार होकर उन घायलों को लेके आए। इनसे बात की, सर आप खुद घायल थे, अभी खुद के पैर की चोट लगी हुई है, ये घटना क्या थी पूरा थोड़ा जरा? तो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया था, हम जा रहे थे तो आगे देखा कि चार आदमी बहुत ज्यादा चोटिल, रक्त बह रहा था और तुरंत हम सब ने मिलकर और वहां पर अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया उनको और कुछ एक दो तीन गाड़ियों को रुकवाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। उसके बाद जबरदस्ती दो तीन गाड़ियों को हमने रुकवा के और गाड़ी को उसमें इनको डाल के और हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर सभी स्टाफ को हमने पहले फोन कर दिया था, अभी पूरा स्टाफ पूरा तैयार है और वो मरीजों का जो उनके लगी काफी रक्त बह गया है, कई फ्रैक्चर हो चुके हैं, लेकिन हमारा धर्म बनता है कि हमारे मेरे चाहे लगी हुई तो लगी हुई है लेकिन सबसे ज्यादा पहले उसकी व्यक्ति की जान बचानी थी, उसकी जान बचाना मैंने मेरा फर्ज निभाया है और निश्चित रूप से अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी त्यार ठीक हो जाए और बहुत ज्यादा रक्त बह रहा है, मैं डॉक्टरों को भी मैंने कहा है कि कैसे भी करके इनकी जान बची जाए, सबसे पहला
धर्म हम सबका यही बनता है। सर आप विधायक हैं, सरकार आपकी है, आपने एम्बुलेंस को फोन किया होगा, पुलिस को फोन किया होगा, क्या सेवाओं से संतुष्ट हैं आप? निश्चित रूप से ऐसा है कि जब हमने फोन किया उसके बाद में एम्बुलेंस पहुंची या नहीं पहुंची, हमने तो तुरंत यही काम किया कि किसी तरह से इनकी जान बचे, और हमने हमारी स्वयं की गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी जो तीन चार और गाड़ियां थी जिनको रुकवाने का प्रयास किया, उन्होंने नहीं रोके, लेकिन एक गाड़ी को जबरदस्ती रुकवा के और उसको हमने उस गाड़ी के अंदर डाल के और हम लेके पहुंचे। हमारी प्राथमिकता हमें जान बचानी है उनकी और उसकी में लगे। कैलाश जी, कई बार ये होता है कि राह चलते हुए सड़क दुर्घटना हो जाती है, आम जनता उसमें हाथ नहीं डालती ये सोच के कि पुलिस और प्रशासन परेशान करेगा उसको। आप इस तरह के उदाहरण पेश, पहला नहीं, इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं होती देखी हमने, इससे आपने उनकी मदद की, जनता से क्या अपील करेंगे? अगर एक राजनेता इस तरीके से विधायक रोक कर वाहन घायलों को मदद करता है, पब्लिक थोड़ी सी इससे दूर रहती है पुलिस के डर की वजह से। निश्चित रूप से देखा, आज भी हमने बहुत प्रयास किया, कई गाड़ियां देख कर रोकी नहीं। ये एक मैं तो समाज से और सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आदमी अगर जान जाती है या ऐसा एक्सीडेंट या ऐसी घटना हो जाती है तो हम सबका पहला धर्म बनता है, चाहे मुकदमा हो या जांच हो, ये बाद का विषय, हमारा पहला धर्म है कि हम उसकी जान बचाए। कल हो सकता है यही घटना कल हमारे साथ भी हो सकती है, अगर इस तरह से अगर कोई हमारे पास से ऐसे गुजर जाएगा तो उस समय हमारे ऊपर दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोच के हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं तो ये सभी से यही निवेदन करता हूँ कि कभी भी कहीं पर भी अगर कोई घटना हो जाए तो तुरंत हमें उसके राहत के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, स्वयं को अगर लगना लगे तो लगकर हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। यकीनन जहाँ जिस जगह पर हादसा हुआ, अगर उसके आसपास से होकर कोई भी वाहन चालक गुजर भी जाए तो कोई देखने वाला नहीं था, यहाँ पर किसी भी तरह का क्रेडिट लेने की बात नहीं थी, खुद विधायक चोटिल थे, बावजूद इसके दूसरे वाहन में खुद का फॉर्च्यूनर वाहन छोड़ा, दूसरे वाहन में बैठे और घायलों को अस्पताल तक लेके आए। यह एक संदेश है कि घायल कभी भी आपकी लापरवाही की वजह से दम तोड़ सकते हैं, इसीलिए कम से कम आपको मदद करनी चाहिए। ऐसे जन नेता यकीनन एक मिसाल है जो इस तरीके से आम जनता के साथ खड़े रहे। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज, बाड़मेर। और अब बात करेंगे राज